नमस्कार, अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु। माथुरी प्रथमे हेडलाइंस। ओबीसी कार्ड खेलिला बीजेडी, आगामी पंचायत निर्वाचन में 37% संरक्षण देवाक दलर घोषणा, एने निष्पत्ति नेइछन्ति मुख्यमंत्री। गुजरात में निवेशक सम्मेलनी को प्रधानमंत्री संबोधन, जानस स्क्रैपिंग भित्तिभूमि पर पुंजि विनियोग करने को सम्मेलनी कार्यक्रम में निवेशक और शिल्प विशेषज्ञों सह केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी और गुजरात मुख्यमंत्री उपस्थित। तीव्र होबार लागिछि खरस्रोता बंचाओ आंदोलन, आली और राजकनिकार पुलिस जनता खंड युद्ध घटन 24 जन आंदोलनकारी घर उठाई नेला पुलिस, राति अध्या गिरफ्तारी नहीं स्थानीय लोकों प्रतिवाद, थाना सम्मुखें उत्तेजना। ब्राउनसुगार जबतरे एसटीएफ को बड़ा सफलता, खोर्धा बसस्टाण्ड निकटर 1 केजी 265 ग्राम ब्राउनसुगार जबत, 3 जन गिरफ। जबत ब्राउनसुगार आनुमानिक मूल्य 1 कोटी 20 लाख टंका। आज आउ 60 मुंडन है कोरोना, राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 6757 को वृद्धि, 24 घंटा 1193 नुआ आक्रांत, खोर्धार सर्वाधिक 425, कटकु 161। आसंका प्रकाश पाइब युक्त 2 कला और धंदामूलक परीक्षा फल, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदर सूचना, ओडिशा रिजल्ट .nic.in उपलब्ध हो रेजल्ट। कोविड कटकणे चली जगा दर्शन, द्वितीय दिन में महाप्रभु दर्शन करुछन्ते सेवायत परिवार, सानिटाइज पाई शनिवार और रविवार बंद रहिब श्रीमंदिर, 16-20 तारीख जाए पूरीवासी को मिलिब दर्शन सुजोग। बुलेटिन आरंभ करने एक बड़ खबर, ओबीसी को नहीं बड़ कार्ड खेलिला विजु जनता दल, आगामी पंचायत निर्वाचन में बीजेडी देव 37% ओबीसी प्रार्थी, प्रेसमिट्रे मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई वो अरुण साहू का सूचना, इन्हें मुख्यमंत्री निष्पत्ति नहीं कहले उभय मंत्री। ओबीसी को नहीं बड़ कार्ड खेलिला विजु जनता दल, आगामी पंचायत निर्वाचन में बीजेडी देव 37% ओबीसी प्रार्थी, प्रेसमिट्रे मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई वो अरुण साहू का सूचना, इन्हें मुख्यमंत्री निष्पत्ति नहीं कहले उभय मंत्री। वर्तमान जो बड़ खबर आसुची, ओबीसी को नहीं बड़ कार्ड खेली बीजेडी एवं आगामी पंचायत निर्वाचन में बीजेडी देव 37% ओबीसी प्रार्थी। बैकवर्ड और वंचित श्रेणी लोक मानसार आम मान्यवर सभापति विजु जनता दल दलय स्तर में आगामी पंचायत इलेक्शन और जेकोसी इलेक्शन ने 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी मान को कैंडिडेट सिलेक्शन में दिया जाए निष्पत्ति निया। भारत वर्षर अन्न्य कौन सी राज्यर पॉलिटिकल दल रीजनल दल हो किंबा नेशनल दल यह निष्पत्ति नहीं नथिले, तेणुक ये सोशल जस्टिस पाई एक जुगांतकारी पदक्षेप। जे आगामी पंचायत निर्वाचन रे रिटायर पंचायत राज इलेक्शन रे एवं परवर्ती आपण जो निर्वाचन सब हम से सर्वनिम्न 27% पछुआ वर्गर प्रार्थी करा जिवो, काहेकि ना आपणकर जेहेतु कोर्ट जजमेंट एवं सेंट्रल लॉ रे जो 50% कैपिंग अच्छी ता न होता पर्यंत ओडिशार पछुआ वर्गर बंधु माने ए रिजर्वेशन पाइबर वंचित होछन। ए बाबद्र अधिक सूचना में हम सहित ओबीसी मोर्चार बीजेपी राज्य सभापति सुरत विश्वाल चढ़ी रहिछन्ते। श्रीयुक्त विश्वाल, आपनको स्वागत करूछि। वर्तमान समय मुख्यमंत्री पक्ष जो निष्पत्ति निगला से निष्पत्ति को प्रथम आपुंट कथा राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित बाध्यवाधकता निष्पत्ति मुझक चाहूँगी। दया नुहे पछुआ वर्ग प्रति जो रिजर्वेशन निर्वाचन आम भी निर्वाचन बयानबे 97
ओबीसी एससीबीसी भाव में प्रार्थी सारी मुझे निजे भी प्रार्थी होती ये जो कथा कहले आज प्रथम कर राजा स्वाई आसिले ओबीसी संपर्क में कहवाई आज पर्यंत बीजेडी तरफ जो मैंने विरोधी मानने जो मैंने विचार विरोधी जो मैंने पछुआ वर्ग को रिजर्वेशन देवा सपक्ष में नुहंती नदवाई विभिन्न प्रकार आल देखुवा लोक मैंने मुखपात्र भाव में विजु जनता दल तरफ आसुले राजा स्वाई से तत्कालीन समय जो विजु बाबू विरोध करते मंडल कमिशन निष्पत्ति को सेतबेले भी राजा स्वाई श्रीकांत जेना एमने विजु बाबू निष्पत्ति को विरोध करते आज जो कथा कहले से प्रेस मिट्रे मुझक तार उत्तर दौर सारा भारत वर्षर एकमात्र राज्य ओडिशा जी कहूँ आम पाखे जनसंख्या जना ना आमको कोर्ट बना कर विभिन्न आल देख पछुआ वर्ग को अधिकार वंचित करजु जनता दल दीर्घ दिन है कौन सी तालिका ना आपको तालिका दे मैंने संरक्षण देते आज जो घोषणा कर पर्यवेक्षित कर कौ आधार में जदि जनगणना ना पुणी रिजर्वेशन देवे क्या आधार करी देवे पंचायत निर्वाचन में शिक्षा क्षेत्र में कहीं नुहे चाकरी क्षेत्र में कहीं नुहे ये जो छका पंथा राजनीति विजु जनता दल खेलुची ओडिशा रे 54% अदर बैकवर्ड क्लास अच्छा एसीएस की तक रिजर्वेशन रोचा जो अर्थनैतिक अनग्रसर साधारण वर्गर भी तंका पाई जो मोदी सरकार निष्पत्ति नहीं कार्यकारी एपर्यंत करना ये सब कथार उत्तर देवा पड़ा यही केन्द्र में जो बिल वर्तमान लोकसभा राज्यसभा पास हो गला राज्य हाथ को वर्तमान निष्पत्ति दे दिगला जे कौ मैंने ओबीसी रे जिबे तालिका निष्पत्ति करिवार दायित्व राज्यर एबे तार उत्तर देवा को जाई लोक मान प्रश्नर उत्तर देवा को जाई एभली एक घोषणा से घोषणा करुछंती मोर से आपत्ति नहीं आमर भी अधिकार अच्छी पंचायत निर्वाचन में आम 27% पाइबा किंतु चाकरी क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में ऋण पाइबा क्षेत्र में ए सब क्षेत्र में कहीं कार्यकारी करूना या उत्तर भी प्रेस मिट्रे कहवा दरकार जेहेतु से कथा कहना तेणु मुझे गोटे बाध्यवाधकत राजनीति करने गोटे घोषणा करके जो कथा कहते हैं चाकरी क्षेत्र में ना शिक्षा क्षेत्र में भी ओबीसी को प्राधान्य दिगलानी कितु बर्तमान जो कार्ड खेलें ये गोटे बड़ स्ट्राटेजी आम कहीपर कि शुणु से सब स्ट्राटेजी धरा पड़ आज पर्यटन 21 वर्ष काल जो भुआ बुलाऊे एवं केन्द्र ये बिल पास कर आईन में परिणत करने बर्तमान आंकर सब स्ट्राटेजी धरा पड़ा जाऊँगी कहीं गत दिन में सुप्रीमकोर्ट गले हाइकोर्ट निष्पत्ति विरुद्ध अन्य राज्य मैंने सब राज्य मैंने सुप्रीमकोर्ट रू जा आनी आम राज्य में ये जाति मान संख्या हूँ 50+ तेणु आम 50+ रिजर्वेशन करू कहते कौन ना से स्लाब अच्छी से 50 टपी पार नहीं ये हूँ केवल बाहनाबाजी मैंने अवॉइड करने उपेक्षा करने ये आउ एक रास्ता बाहर बीजेडी ओके आगो को निर्वाचन आसुचे जेउति पई कि एभली एको कार्ड बा एभली एको गुटे गेम खेला गला बोली हम कहि परबा सीधा कथा प्रधानमंत्री आवास रे काहे कि दुर्नीति गला बोली लोक तले पिपली उप निर्वाचन रे पछारिले एबे बर्तन खोजुचंती कोन करबा कि आमे बर्तन काहा को दबा गरीब को दबा ना धनी के दबा प्रधानमंत्री आवास जेंति सेमति बर्तन ओबीसी रिजर्वेशन जो आज पर्यंत काहे कि देइ नथले पछारिबारु एबे कहउचंती आमे दबु ये जो कथा ना कहले कौ राज्य रे कि कौ दल रेजनाल पार्टी कि नेशनल पार्टी कही देने आम दौ मिछ सब केवल ओडिशा आज पर्यंत दौ नथिला एबे दबा को बाध्य हब एटा हो आमर हक एटा हो आमर संवैधानिक अधिकार ओके बहुत बहुत धन्यवाद छिणाईपी आम सहित ओबीसी मोर्चार बीजेपी राज्य सभापति सुरत विशाल चढ़ी रही जो कथा कहते जे विशेषकर ओबीसी मानक क्षेत्र में शिक्षा कथा कह चाकरी क्षेत्र कथ कसबूर जो प्राधान्य दिगला ना आते सामनाक आसूँ ये गोटे पंचायत निर्वाचन आग को आसूँ आई समय ओबीसी को प्रार्थी करवा घोषणा करवा केतदूर जुक्तियुक्त बाबत अधिक सूचना आम सहित जोड़ रही भुवनेश्वर रिपोर्टर प्रदीप्त महापात्र प्रदीप्त सरकार पक्ष मुख्यमंत्री पक्ष जो घोषणा करागला आम पूर्व देखीछू सरकार केवे ओबीसी मानक से प्राधान्य देना चाकरी कथा कह शिक्षा कथा कह आज एभली एक जिते निर्वाचन आगक आसूँ आ घोषणा कर
निश्चित भाव माधुरी सबुठ बड़ कथा एवं गुरुत्वपूर्ण कथा होची जेबे थारु बीजेडी शासन रे आसिलानी अर्थात बीजेडी सरकार चलैलानी ओडिसा रे पाखापाखि 21 वर्ष धरिकी आम राज्य रे ओबीसी बा एससीबीसी एही जो वर्ग रहिछंती एही वर्ग रो जो लोक रहिछंती तांको अवहेलित करा होची बोली बारंबार विरोधी अभियोग करछंती बीजेपी पक्षरु बारंबार अभियोग हेई आसुची एवं एही भली स्थिति रे वर्तमान जेहेतु आगकु पंचायत निर्वाचन रहिछि सेथिपई गोटिए पॉलिटिकल कार्ड खेलिछि गोटिए माने कहा जाई परिबो पॉलिटिकल गिमिक करा जाइछि वर्तमान ए स्थिति को देखिकि जहां ओबीसी मोर्चा सभापति मध्य राज्य बीजेपी रो जहां कहुतले जे आगकु जेहेतु पंचायत निर्वाचन रहिछि सेथिपई शिक्षा एवं चाकरी क्षेत्र रे हुए तो वर्तमान सुधा राज्य सरकार 27% संरक्षण देना किंतु पंचायत निर्वाचन रे जो माने प्रार्थी हेबे सेमानकु भीतर एससीबीसी को 27% प्रार्थी जो रिजर्वेशन देवाई घोषणा करछंती निष्पत्ति नहींचंती बीजेडी रो जे सुप्रीमो रही नवीन पट्टनायक किंतु ये सबुठ बड़ प्रश्न जेतेबेले जो संविधान संशोधन हला एवं जो सबु राज्य मानकु क्षमता दियागला जे आपण माने जातिभित्तिक जनगणना जो करें किंतु एटी प्रश्न उठुची जे वर्तमान सुधा एवं जहाँ भी मध्य जो बीजेडी रो जो सांसद मैंने रही गृह केन्द्र गृहमंत्री को भेटी 50% जो संरक्षण सीमा रही चाकरी और निजुक्ति क्षेत्र में ताकि उच्छेद करने कि सबुठ बड़ प्रश्न जहाँ केन्द्रमंत्री केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान राज्यसभा अभिभाषण देला कहते जे पूर्वर कहीं सुप्रीमकोर्ट को जाऊन राज्य सरकार जो 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 ये निष्पत्ति हाईकोर्ट रहितादेश जारी करछंती चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट कहीं जाऊन नहीं जितेबाला आम प्रश्न पचारू जे थे रणेन्द्र प्रताप स्वाई मंत्री जे थे से कही आम 30/10/2017 डेट से कही से लीव स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करते सुप्रीम कोर्ट रे बोली हाईकोर्ट का जो विचार रही स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 32905 2017 एमती गोटे चैलेंज करी से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सहित कहते वर्तमान विचार विभाग जो कोर्टे विचाराधीन अच्छी बर्तमान सुधा किसी राय आसे विचाराधीन रही पूर्व कहीं राज्य सरकार पक्ष सुप्रीम कोर्ट गले गोटे बड़ा प्रश्न आसुच्छे वर्तमान आम सहित वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू मत सहित जोड़े रही श्रीयुक्त साहू आपको स्वागत करुच्चे वर्तमान समय मुख्यमंत्री पक्षर जो निष्पत्ति जो कथ बीजेडी सांबादिक सम्मेलन रे कहकला मंत्री माने जे कथा एबे कहले से निष्पत्ति को आपण प्रथमे कि भले देखुछंती देखंतु आज बिजु जनता दल जो राजनीतिक निष्पत्ति नैछि एथिरे ओबीसी मानंकर प्रति से दल जो कहूछि बहुत आंतरिकता अछि सेमिति आंतरिकता नाही वर्तमान बिजु जनता दल सरकार गोटे बड़ धरणर गोटे विरोधी दल मानक तरफ रु घेराव रो सम्मुखीन हबाक जाउछि घेरावटा एही कथाटा होछि एही भली जे 2014 मसीहारु ओडिशार लक्ष लक्ष ओबीसी युवक युवती माने तांकर जो 27% सेमानकर पाइबार थिला तांकर रिजर्वेशन संरक्षण पाइबार थिला सेथरु वंचित होइछंती राज्य सरकारंकर गोटाए खामख्याली मनोभाव जोगु खामख्याली मनोभाव होउछि एया जे 2014 पर्यंत ओडिशार जो अछंती ओबीसी बा आपनकर पछुआ अन्यान पछुआ वर्गर जो व्यक्ति माने अछंती से माने जो संरक्षण पाते हाईकोर्ट रे गोटे केस दायर हवा जो से संरक्षण व्यवस्था पूरा ह्रास पाई 27% जगह से माने 11% संरक्षण पाते आ भितर अनेक जो युवक युवती अच्छा से मानकर जो माने जो माने धरतु से आपणकर ओडिशा पब्लिक सर्विस जो माने कमिशनर द्वारा परिचालित होता आपणकर परीक्षा हो किंबा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन द्वारा जो निर्वाचन आपनकर परीक्षा होतला सेथि हो अनेक युवक युवती राज्य प्राप्ति से माने बंद होती तो सेठ अटेंशन डाइवर्ट करने आज से माने ये भाया गोटे राजनैतिक निष्पत्ति नहीं जो राजनैतिक निष्पत्ति द्वारा ओबीसी मानकर कौन फायदा हबार ना आपणकर महिला मानक संरक्षण दि जाएगी सीडली कास्ट सीडली ट्राइब मानक संरक्षण दि जाएगी किंतु आज आम देखुचे से भाई से राजनैतिक हाँ राजनैतिक भाव से शक्तिशाली होती किंतु तांकर जो आर्थिक माने किभली स्थितर सुधार आसब से जो संरक्षण व्यवस्था होता से संरक्षण व्यवस्था से वंचित होती केवल राज्य सरकार खामख्याली मनोवृत्ति जो तो सेठ अटेनसन को किभली गोटे डाइवर्ट करहब
ଗୋଟେ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନାରୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇଛନ୍ତି ଓବିସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ 27% ରିଜର୍ଭେସନ ଲାଗୁ ହଉଥିଲା ଏଠି, ଯୋଉଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ 1993 ମସିହାରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। निहाति किंतु जेतेबेले कि ओबीसी प्रति आंतरिकता ना शिक्षा कथा कहु चाकरी क्षेत्र कथा कहु से सरकार तो ओबीसी मानू आंतरिकता देना आउ एबे ये जो गेम खेलुंट विजु जनता दल पक्ष जो गेम खेल जाऊँच ये गोटे बड़ गेम कहु बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू आम सहित जोड़े रही थे। पुणि थे फिर भी प्रदीप्त आप निकट को प्रदीप्त जो कथा किसी समय पूर्व सांबादिक कहते जितेबड़ी की आम देखी ओबीसी प्रति सरकार तो से भाई आंतरिकता देखाई ना आमती भी कहुची जे सरकार को पाखरे से भाई कौन तालिका ना तो क्यों आधार में 27% को प्रार्थी करेंगे सरकार निश्चित भाव में प्रार्थी केमी करेंगे ता तो सब बड़ प्रश्न कितु आ गोटे प्रसंग भी मुझे चाहिए जे कि समय आगु रणेन्द्र प्रताप स्वाई जहाँ कहले से सुप्रीमकोर्ट 2017 मसीह जाते कितु से लिव पिटन से कौन उल्लेख करते आम राज्य में जेहेतु 52% रु ऊर्ध आर्थिक एवं जो साक्षरता क्षेत्र में पछुआ वर्ग अच्छा से नहीं किसी तथ्य दे कि गोटे बड़ प्रश्न और जितेबाला से लिव पिटन दाखल कर ताकू नहीं कि स्पष्टता से कहीं चुप रही है बर्तमान जिते प्रश्न उठिला जिते विरोधी मैंने प्रश्न उठेले से कहीं मुह खोलुंट दीर्घ 20-21 वर्ष धरिकी जो पछुआ वर्ग मानू चाकरी एवं निजुक्ति क्षेत्र में सबुबले अवहेला करमकर प्रश्नर उत्तर सरकार देवे कि बर्तमान सब बड़ प्रश्न एवं जहाँ बर्तमान कहते पंचायत निर्वाचन जेहेतु आगक अच्छी से 27% प्रार्थी जो सोशियाली एवं इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास रहिबे बीजेडी पक्षर जहाँ घोषणा रही जहाँ निष्पत्ति रही तेणु ये दुईटी कथ आसूँ जितेबाला देशर जो मैंने भविष्य रही आम राज्यर भविष्य जो युवपीढ़ी रही जो निजुक्ति शिक्षा या बीजेडी प्राधान्य रखुची ना निर्वाचन में किपर भाव जितापट आसव निर्वाचन में किपर भाव से विजय लाभ करेंगे ता प्राधान्य रखुची तेणु यही दुईट प्रसंग को नहीं कि वर्तमान जो प्रश्न निहत भाव उठू एवं विरोधी मैंने जितेबले भी उठाई कारण केन्द्र सरकार खोला हाथ दे समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल को जे आपतिक जनगणना करें कि आम राज्य निकट में आम राज्य सरकार निकट में ओबीसी लिस्ट अच्छी कि यदि अच्छी ओबीसी लिस्ट नहीं जे कथा पूर्वर मध्ये कहुतिले जे कि ओबीसी आम निकटरे थिले ओबीसी मोर्चार बीजेपी राज्य सभापति जे थिले से मध्ये कहुतिले जे तांको पाखर तो लिस्ट नहीं आउ से केउ आधार रे प्रार्थी करिवे ताकु ने गोटे बड़ प्रसंग सामना को आसुचि। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आपनकर तमाम सूचना पाई आगो को जारी रहइबो खबर अभियान सब हुजे को छोटो ब्रेक। ब्रेक परे स्वागत। प्रदूषण को ह्रास करने केंद्र सरकार अनेक दिगरे कार्य करेक्षी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात निवेशक सम्मेलन में भिसी जरिया जातीय ऑटोमोबाइल स्क्रापेज नीति शुभारंभ कर सम्मेलन को संबोधित कर मोदी कहते स्क्रापेज नीति आत्मनिर्भरशील हो लॉन्च कर रहा है। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। देश में व्हीकल पॉपुलेशन के मॉडर्नाइजेशन को अनफिट व्हीकल्स को एक साइंटिफिक मैनर में सड़कों से हटाने में ये पॉलिसी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। देश के करीब करीब हर नागरिक हर इंडस्ट्री हर क्षेत्र पर इससे सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ए बाबद्र अधिक सूचना पाई न्यूज रूम मो सहयोगी निहारिका आम सहित जोड़े रही निहारिका जातीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति शुभारंभ कर प्रधानमंत्री विशेषकर अर्थनैतिक विकास क्षेत्र में यह केते सहायक हेबो निश्चय भाव में माधुरी प्रथम कथा हेउची जदि आज जमी स्क्रेपेज पॉलिसी जोटा प्रणयन कले प्रधानमंत्री मोदी एथिपाई बहुत किछि स्तर रे विकास घटिबो भारतर। प्रथम कथा हेउची अर्थनैतिक स्तर रे
कारण स्क्रेपेज पॉलिसी पाई बहुत किसी सेंटर गठित हेबो बहुत फिटनेस सेंटर भी तैयारी हेबो ता सहित इकोसिस्टम रे भी बहुत बड़ा परिवर्तन आसीबो तेणी पूरा पूरी भाव में कहवा को गले प्रधानमंत्री सबुब जहाँ उद्देश्य रोचे गोटे परिवर्तित भारत बा आत्मनिर्भरशील भारत से दिगरे ए स्क्रेपेज पॉलिसी बहुत भाव में काम दब ये नीति प्रणयन करागला नहीं साधारण लोक मान मन विभिन्न प्रश्न बर्तन उठवर लगी तेणु ताकू नहीं मुझे भाव में क्लीअर करी निश्चय भाव में जमीती आमर आज जो वेहिकल स्क्रापेज नीति प्रणयन है सेथिरे किछिटा जिनिस डिटेल रहुची सेथिरे प्रथम कथा आसुची जोटा प्रधानमंत्री मोदी निजे आज डिटेल कहिचंती जे जदि 15 वर्षर ऊर्ध उपर समय गाड़ी अच्छी तले ताकू स्क्रापेज पई नियाजिबो सेथिरे प्रणयन क्षेत्र रे प्रथम कथा आउची स्क्रापेज करा जिबा सहित फिटनेस सेंटर जो गुड़ाक अच्छी एवं मध्य अच्छी बर्तमान आहुरी अन्यान्य वेहिकल फिटनेस सेंटर तैयारी हेबो ए फिटनेस सेंटर रे जो स्क्रापेज पॉलिसी हिसाब से स्क्रापेज पर गाड़ी दिया जिबो जदि तार एनवायरमेंट पॉलिसी बा प्रदूषण क्षमता कमी जाए थाए बा अन्यान्य टेक्निकल प्रॉब्लम थाए ताकू स्क्रापेज पर दिया जिबो प्रथम कथा द्वितीय कथा फिटनेस सेंटर रे जे कोनसी गाड़ी जदि ताकू आपण फिटनेस पाई नेबे बा एनवायरमेंटल टेस्ट पाई नेबे सेति पाई पर्सनल गाड़ी पछरे 300 रु 400 खर्च दबाकु पड़िबो जोटा कि आपण कमर्शियल व्हीकल रे 1000 रु 1500 टंका देबाकु पड़िबो प्रथम कथा हेउची टेस्टिंग कथा एटा द्वितीय कथा हेउची आपण जदि स्क्रेपेज पॉलिसी कथा कहउचंती वर्तमान पाई कि प्रधानमंत्री को कहिबा अनुसार जे वर्तमान ऑन रोड जो गुडा बड़ बड़ व्हीकल अछि बा हेवी व्हीकल जहाँ को कौन आपण हेवी व्हीकल गुड़ी को 2023 सुधा स्क्रेपेज पर दिजिव जदि से गुड़िक पुराण हो सारी बहुत पुराणा पुराणा होदि तार प्रदूषण क्षमता बा प्रदूषित करुच्चे स्क्रेपेज पर बाय 2023 देवाक पड़ो आदि आप पर्सनाल व्हीकल कथा कौन पर्सनाल व्हीकल पर स्क्रेपेज नीतिटा इफेक्टेड हम फ्रम 2024 यही हूँ प्रथम कथा द्वितीय कथा होची जेते बले फिटनेस सेंटर कथा आसुची बा स्क्रेपेज पॉलिसी पई जो इंडस्ट्री गठित हबो सेति पई ऑलरेडी निवेशक मानक सहित आज सीधा सळक वर्चुअल माध्यम रे आज जो कथा हिचंती सेति पई 10,000 कोटी निवेश करा जिवो ता द्वारा आपण जानि पारुचंती जदि फिटनेस सेंटर तयारी होउची स्क्रेपेज पॉलिसी स्क्रेपेज सेंटर क्रिएट होउची ताले सेडा रोजगार क्षमता भी बढ़ाई पारिबो ता सहित आपण जेमति जानिचंती जे जदि नूतन गाड़ी जेतळ इकोनॉमिकली डेवलप जोटा आमे कहउचे बा इकोनॉमी अधिक हबो कारण नुवा गाड़ी निश्चय भाबरे स्क्रेपेज परे लोक माने नुवा गाड़ी किनिबे सो आट द सेही समय को जदि आमे सेही कथा को जदि आसीबा नुवा गाड़ी क्षेत्र रे मध्य स्क्रेपेज पॉलिसी केमिति अनुमोदन करा जाउची सेटा जदि आपणको गाड़ी स्क्रेपेज रे दिया जाइछि ताले आपणको कोटे सर्टिफिकेट मिलिबो जो सर्टिफिकेट आपण जेतेबेले नुवा गाड़ी किणिबे सेति पई आपणको डिस्काउंट भी मिलिबो जोटा साधारण लोकंको पई आमे निश्चय भाबरे जणौछु वर्तमान पई तृतीय कथा हेउछि जे जदि जेहेतु आपणको गाड़ी पुरुणा हेइ पारे 15 वर्ष तळर हेइ पारे जोटा स्क्रेपेज पॉलिसी हिसाब रे आपण स्क्रेपेज पई दिबे ता सहित आउ गोटे मध्य वर्तमान कहिछंती तांको पॉलिसी रे से जदियो बेसी पुराणा गाड़ी हो भी नथिबो जदि आपणकर गाड़ी 5 बा 10 वर्षर मध्य हेइथाय किंतु जदि सेतिरे आपण जेमती एनवायरमेंटल जदि तार क्षमता कमी जाइथाय बा पॉल्यूटेड पॉल्यूशन करुथाय ताहाले मध्य साइंटिफिक उपाय रे ताकु फिट करा जिवो निश्चय अदरवाइज ताकु स्क्रेपेज पय दिया जिवो आउ ता छोडा आउ गोटे बहुत बड़ कथा प्रधानमंत्री का कहिबा अनुसार एनवायरमेंटल एनवायरमेंट को आम भारत निश्चय भाव में यहीटा गोटे बहुत बड़ा जिनस जमीक प्रधानमंत्री कही ए प्रकार स्क्रेपेज पॉलिसी पचरे मूल उद्देश्य है कीचड़ से कंचन जो आयोजन बा जो प्रकार जो कथाटा से कही जे कीचड़ से कंचन यो थटा आमर भी अच्छी से पूरापूरी पूरण करवा कारण आग को जाए 25 वर्ष भारत बहुत बेसी इम्पोर्टेंट निहाती भावे आत्मनिर्भरशील भारत गुरुत्वपूर्ण बहन करुच्छे बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका आपंकर तमाम सूचना समय सारी बुलेटिन कोईटे रखुच नमस्कार।